गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप ऑल आर यू वेल एंड गुड एट होम सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर कोर्स एंड लेट्स वी स्टार्ट आवर कोर्स विद द चैप्टर वन सो द चैप्टर वन इज़ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे अगर हमें मूवी देखनी है गाने सुनने हैं या पढ़ाई करनी तो वो सारे काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं बट पहले के ज़माने में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जिससे ये सारे काम किए जा सकते या कैलकुलेशन किया जा सकता था तो उस ज़माने में कुछ लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ डिवाइसेस बनाई जिनका यूज़ कैलकुलेशन या अदर पर्पज़ के लिए किया जा सकता था तो आज हमें उन्हीं डिवाइसेस के बारे में जानना है सो आर टॉपिक इज़ अर्ली कंप्यूटर डिवाइसेस। सो द फर्स्ट डिवाइस इज़ अबेकर्स सबसे पहली जो डिवाइस है वो है अबेकस अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना मोर देन फाइव थाउजेंड ईयर्स एगो अबेकस जो डिवाइस थी वो चाइना में बनाई गई थी आज से पाँच हज़ार साल पहले इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इस डिवाइस की हेल्प से एडिशन और सब परफॉर्म किया जा सकता था अब देख सकते हैं जो अबेकस डिवाइस है वो एक लकड़ी की फ्रेम में जिसमें बहुत छोटे छोटे बीट्स uh, या स्टोन लगे हैं जिनको मूव करके कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सकता था सो द नेक्स्ट डिवाइस इज़ नेपियर बोन्स नेपियर बोन्स वॉज इन्वेंटेड बाय सर जॉन नेपियर इन 1616। नेपियर बोन्स को किसने बनाया था सर जॉन नेपियर ने 1616 में इट इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर रोड्स फॉर डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपिकेशन एंड डिविजन ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें बहुत सारे uh, रॉड्स लगे हुए हैं और उसमें कुछ नंबर प्रिंट हैं इन न, इन नंबर की हेल्प से कैलकुलेशन किया जा सकता था और इस डिवाइस से एडिशन सप्टेक्शन के अलावा मल्टीपीकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म किया जा सकता था द नेक्स्ट डिवाइस इज़ पासक्लाइन पासक्लाइन वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पासकल पासक्लाइन वॉज मेडअप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ एट मूवेबल वीज पासक्लाइन को पहला कैलकुलेटर भी कहा जाता है मैकेनिकल कैलकुलेटर इट्स कॉल्ड और ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं जिसमें आठ मूवेबल व्हील्स लगे हुए हैं इन व्हील्स को मूव करके कैलकुलेशन किया जा सकता था नेक्स्ट डिवाइस इज जैकवाड्स कार जैकवाड्स कार वर डेवलप बाय जोसफ मारिया जैकवाड इन 1801 जैकवाड्स कार्ड को बनाया था जोसफ मारिया जैकवाड ने 1801 में इट वाज एन ऑटोमेटिक वेविंग सिस्टम फॉर वेविंग पैटर्न्स इन टू फैब्रिक्स यूजिंग पंच कार्ड और एक ये सिलाई मशीन यहाँ हम कह सकते हैं कि, कि कपड़े बुनने की जो मशीन होती है वैसी कुछ मशीन थी जिसमें अलग अलग पैटर्न बनाए जाते थे और इसमें बहुत सारे कार्ड लगे होते थे जिनमें छोटे छोटे होल्स होते थे द नेक्स्ट डिवाइस इज डिफरेंस डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन वॉज डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज टू कैलकुलेट मैथेमेटिकल टेबल्स डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने मैथेमेमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए बट दिस डिवाइस वॉज नॉट एक्यूरेट ये डिवाइस एक्यूरेट डिवाइस नहीं थी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी इसको नहीं यूज़ किया गया फिर बाद में सो द नेक्स्ट डिवाइस इज एनाटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबेज इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था इट हैड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इसमें कहा जाता है कि इसमें सारे पार्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर में होते हैं वो इसमें थे सो दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर तभी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है द नेक्स्ट डिवाइस इज सेंसस मशीन सेंसस मशीन इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हरमन हॉलरिथ इट वॉज फर्स्ट यूज टू टेबलेट सेंसस डेटा इन नाइनटीन सेंसस मशीन बनाया था हरमन हॉलरेट ने और ये जो मशीन थी वो सेंसस डेटा को टैबलेट करने के लिए बनाया गया था मतलब जनगणना करने के लिए इस मशीन को बनाया गया था